एक बार रिव्यू के लिए दे दे, एक बार प्लीज, एक बार दे दे। सो फाइनली गाइस, हमारे पास पोको X3 आ गया है और देखते इसके टॉप फीचर्स को और ये कितना अच्छा फोन है कि मैं इसे अपग्रेड करूं अपने पोको F1 के साथ। सो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट शॉप इट। अबे वो तो सैंडी रिवाइंस है। सैंडी रिवाइंस। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, आप देख सकते हैं काफ़ी तड़कीला भड़कीला कुछ ब्लू कलर दिखता है और इस ब्लू कलर के साथ उन्होंने एक थोड़ी सी गरीबी का टचअप दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवर ब्रांडिंग यहाँ पे पोको की। इस अगर इसे छोटा करके साइड में रखते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि काफ़ी बड़ा लोगो दिख रहा है। बाकी ओवरऑल तो मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा है। और हाँ गाइज, इसके वेट की बात करूँ तो काफ़ी हैवी लगा है मुझे अदर्स फोन के हिसाब से। और इसे लिटरली इसका वेट इतना ज़्यादा है कि आप इसे अगर एक केस लगाते हो उसके साथ तो ये लगभग 1.5 किलो हो जाएगा। और इतना भी भारी नहीं है, आप यूज़ टू हो जाओगे आप फिर अगर इसे कुछ टाइम तक के लिए यूज़ करते हो। सो बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो ये 6.67 इंच का आ जाता है, तो काफ़ी इनफ है एक मोबाइल फ़ोन के लिए। और इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HDR डिस्प्ले आता है इसके साथ, तो जो एमोलेड नहीं है लेकिन उसके लगभग वैसा ही फील आपको दे देगा। और इसका एक मेन फीचर जो 120 रिफ्रेश रेट के साथ आता है इसका स्क्रीन, जो काफ़ी आपको अच्छा फील करवाएगा। लिटरली आप पबजी वगैरह इसमें काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, तो गेमिंग के मामले में बेस्ट ये फ़ोन है। सो बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की, जो है इसका कैमरा। तो इसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का आ जाता है और 13 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का इसका डेप्थ एंड मैक्रो कैमरा है। और फ्रंट की बात करें तो ये 20 मेगापिक्सल के साथ आ जाता है, सो काफ़ी क्लियर शॉट्स मिलते हैं आपको। मैं इसके कुछ सैंपल्स भी आपको दिखा दूंगा। सो बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जो है इसका प्रोसेसर। तो ये स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिल जाता है और इसकी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये गेमिंग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराने वाला है। और ये मल्टीटास्किंग है और नॉर्मल यूजेस के लिए भी काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। सो बात करते हैं इसके बैटरी की, तो काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है इसमें 6000 mAh की। और चार्जर की बात करूँ तो इनबॉक्स में हमें 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। आधा घंटा चार्ज करके आप दिन निकाल सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है चार्जिंग के मामले में। सो बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट की, तो ये साइड माउंटेड दिया गया है, तो काफ़ी हैंडी है यूज़ करने में। और सो चलते इसके दूसरे डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स पे, तो 3.5 का जैक भी दिया गया है ईयरफोन के लिए और USB-C टाइप चार्जिंग दिया गया है। और दो स्पीकर दिए गए, एक डाउन साइड में एक अप साइड में। और हर बार की तरह आयर ब्लास्ट फीचर इसमें भी दिया गया, जैसे कि हर Xiaomi फ़ोन पे देता है, तो आप TV कंट्रोल वगैरह आराम से कर सकते हैं। और ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा है। सो तब तक के लिए देखते रहे मेरा चैनल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।